अमरनाथ की पवित्र गुफा में विराजने वाले महादेव के पवित्र हिमलिंग का राज जितना गहरा है उतना ही रहस्यमयी इस पवित्र गुफा की खोज भी है। मान्यता है कि इस गुफा को शिव की प्रेरणा से ढूंढा गया था। देवों के देव महादेव ने एक मुस्लिम गरेड़िये को गुफा खोजने की प्रेरणा दी थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैसे प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी। अमरनाथ की गुफा का इतिहास पौराणिक है, जिसकी कथा महर्षि कश्यप और महर्षि भृगु से जुड़ती है। ये कथा कहती है कि एक बार धरती का स्वर्ग कश्मीर जलमग्न हो गया और एक बड़ी झील में तब्दील हो गया। जगत कल्याण के लिए ऋषि कश्यप ने उस जल को छोटी छोटी नदियों के जरिए बहा दिया। उस समय ऋषि भृगु हिमालय की यात्रा पर निकले। जल स्तर कम होने से हिमालय की पर्वती श्रृंखलाओं में सबसे पहले महर्षि भृगु ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बाबा बर्फानी का शिवलिंग देखा था। अमरनाथ की यात्रा का रहस्य अमरत्व का रहस्य है और वो आप तब प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान शिव की साधना करते हुए इस यात्रा के हर पड़ाव पर अपने जीवन की वासनाओं को दूर करते जाएं। कहते हैं अमरनाथ धाम की यात्रा पर निकले भक्तों का मन एक चमत्कारी शक्ति से भर जाता है, क्योंकि बड़ी ही अद्भुत है बाबा बर्फानी के प्रकट होने की संपूर्ण लीला। तो आखिर कैसे प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी, तो आइए जानते हैं। अमरनाथ गुफा में बर्फ की एक छोटी शिवलिंग सी आकृति प्रकट होती है, जो लगातार 15 दिन तक रोजाना थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। 15 दिन में बर्फ के इस शिवलिंग की ऊंचाई 2 गज से ज्यादा हो जाती है। चंद्रमा के घटने के साथ ही शिवलिंग का आकार भी घटने लगता है और चांद के लुप्त होते ही शिवलिंग भी अंतर्ध्यान हो जाता है। 15वीं शताब्दी में एक मुसलमान गडरिये ने इस गुफा की खोज की थी। उस गडरिये का नाम पूटा मलिक था। पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पहलगाम की तरफ से जाता है और दूसरा सोनमर्ग होते हुए बालटाल की ओर से जाता है। इन सारी तैयारियों के बाद अब बस बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार है, जो मन में आस ढेर सारा विश्वास लिए देश के कोने कोने से निकल पड़े हैं अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए।